बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मदन कौशिक पहली बार प्रदेश कार्यालय पहुंचे तो इस दौरान उनके साथ सीएम तीरथ सिंह रावत भी मौजूद थे, जिनका लोगों ने जोरदार स्वागत किया। तो दोनों ने अपने आक्रामक तेवरों से भी कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। ये स्वागत है नए प्रदेश अध्यक्ष का और नए सीएम का, जो 8 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर प्रदेश कार्यालय पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने फूलों की बरसात कर उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं इस मौके पर मदन कौशिक ने उन कार्यकर्ताओं को भी अपने तल्ख तेवर दिखाए जो सरकार की राह में परेशानी खड़ी करने का काम करते हैं। सरकार के काम और अंतिम व्यक्ति के बीच में हमारा कार्यकर्ता पुल का काम करेगा, एक सेतु का काम करेगा, और उस सेतु में यदि कोई भी बाधक बनेगा उसको भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी। कार्यकर्ताओं के लिए पूरी तरीके से आज ये संदेश हमने दिया है। 2022 में 60+ इस नारे के साथ आज से हम आगे बढ़ रहे हैं। उधर कौशिक की तरह ही सीएम तीरथ सिंह रावत के तेवर भी काफी गर्म थे। उन्होंने पहाड़ में काम कर रहे प्राधिकरण को रद्द करते हुए सीएम ने जल्द ही प्राधिकरण पर फैसला लेने की बात कही और कोरोना काल में लोगों पर दर्ज हुए केस भी वापस लेने का ऐलान किया। मैंने कहा विकास प्राधिकरण जनता के लिए नहीं बना है, ये बना है अन्य जो अधिकारी अन्य अन्य जिस प्रकार के जो उनके पेट भरने के लिए परेशान करने के लिए काय के लिए भैया है। मैंने कहा इसको तत्काल वापस लेना चाहिए, इसको वापस करवाने का काम किया। 16 तक जो व्यवस्था थी वही रहेगी। इतना ही नहीं, त्रिवेंद्र सरकार के देवस्थानम एक्ट को लेकर भी सीएम तीरथ सिंह रावत बड़ा फैसला ले सकते हैं। नए सीएम और नए प्रदेश अध्यक्ष के मिजाज से साफ है कि वो आक्रामक तरीके से सरकार और संगठन में नई जान फूंकने जा रहे हैं, जिसमें काम भी होगा और काम में रोड़ा बनने वालों पर एक्शन भी। सुरेंद्र सीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून।